إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام. अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद करीम अकाली सलातो व सलाम दी बारगाह दे अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद सदरे दी वकार गुलशने सादात की बहार मुजाहिद अहले सुन्नत सरमाए मुल्क मिल्लत फखर शादात पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद शाह नवाज साहेब दामत बरकातुल्लालिया रौनक महफिल उस्ताद उल हुफाज वल कुर्रा उस्ताद उल उलमा खतीब पाकिस्तान पीर तरीकत रहबर शरीयत फखर सादात हजरत किबला पीर सैयद शाह ज़ेब शाह साहेब दामत बरकातुल्लालिया फखर सादात पीर सैयद मुनम शाह साहेब दीगर सदात पाक उलमाए किराम शुरकाए तकरीब मुकद्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरी अकबर आश के रसूल हजरत किबला नकीब महफिल साहब ने अपने बड़े सारे कीमती लफ्ज इस तालिब इल्म दे इजाज विच रखे। अगरचे मैं अपने आप नू जानना कि मैं की हाँ, ये मेरे बरादरी मुकर्रम दी आला जरफी है। अल्लाह करीम सदाते पाक दी दिती इन दी नौकरी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे बरादरे मुकर्रम जनाबे मोहतरम हाफिज हसन साहेब भाई कारी सलीम साहेब जनाबे हकीम गुलाम अब्बास साहेब दीगर जितने भी हुजूर दे गुलाम तशरीफ फरमाओ सब मेरे सिर दा ताजो। बरादरे मुकर्रम नाज़िशे अहले सुन्नत जनाबे अल्लामा कारी हसन साहेब और सही बात तो यह है कि मेरे नाम लैन नल किसे दी हैसियत बदनी कोई नहीं ते नाम न लैन नल किसे दी हैसियत कटनी कोई नहीं। बस ये दुआ फरमाया करो कि चेहरे साडे होन ते आमीना दे लाल दी निगाह विच आ जान। जितने भी उलमा मेरे नजदीक मेरी मशरक के जितने भी उलमा तशरीफ फरमा ने हर लिहाज नाल इस तालिब इलम नालो इलम और अमल दे मैदान दे अंदर अफजल ने सादाते पाक उलमा आलमे दीन दा बड़ा मकाम है कि जदों रोजे हश्र बंदे दे पल्ले नेकी कोई नहीं ना निकलेगी ते फरिश्ते रब दी बारगाह च अर्ज करनगे या अल्लाह इस बंदे दे पल्ले नेकी कोई नहीं इजाजत होवे ते इहनू दोज़ख वल लै जाइए। अल्लाह फरमाएगा ठहर जो इन्हें कलमा मेरे हबीब दा पढ़िया है ना अंदरों जमीर मन्ने ते बेशक सुभान अल्लाह ना कहो जरूरत कोई नहीं ते जेड़ा अंदर मन दा उधर क्या उधर सारे सुभान अल्लाह।
पिता बड़ा चाहिए, हौसला बड़ा चाहिए, जर्फ बड़ा चाहिए। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तियों इस बंदे नु पुछो किसे मौलवी नाल यारी है। उलमा नाल प्यार करने वाला सुभान अल्लाह कहे तो बाकी मेरी दावत ही नहीं। जरा उच्ची तरह सारे कह दो सुभान अल्लाह। इन्हू पुछो किसे मौलवी नाल यारी है, कदी किसे आलमे दीन दी मजलिस च बैठे हैं, या अल्लाह नहीं। किसे आलमे दीन दे हुजरे च बैठे हैं, या अल्लाह नहीं। आलमे दीन दे नाल दस्तरखान ते बह के रोटी खाधी, या अल्लाह कोई नहीं खादी। मौलवी नाल यारी भी कोई नहीं, या अल्लाह कोई नहीं। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह हुण लै जाइए, ये मौलवी दे नेड़े नहीं लगा, ए नजदीक ही नहीं गया, ना इहदी मौलवी नाल यारी, ना मौलवी दे दस्तरखान ते गया, ना उधरे बैठा मौलवी दे नाल, ना ए उस गली चो गुजरिया जिथे आलमे दीन रहिंदा सी। अल्लाह फरमाएगा ठहर जाओ, एक गल बाकी है, इहदी यारी मौलवी नाल भी कोई नहीं, मजलिस च भी नहीं बैठा, दस्तरखान ते भी नहीं बैठा, ते इहनू ए पुछो मौलवी दे यार नाल यारी है। जरा एक बारी सारे उच्ची नहीं फरमा देंगे सुभान अल्लाह। किसे आलमे दीन दे यार दे नाल यारी है? अर्ज करेगा या अल्लाह मेरा एक यार है, ओदा अगो यार आलमे दीन सी, ओदा अगो यार आलमे दीन सी, ओ अगो मेरा यार है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ, अज इनू मैं मौलवी दे यार दी यारी दा सदका माफ कीता। तो ये पता चलेगा आने गियां खबरां, मुड़ पैण गियां फिर खबरां, फिर पता लगेगा की बनया है, कि आलमे दीन दा कित्थे ए और खानका है। ए ओ खानका है और ए ओ इदारे के मदरसा हुसैन बिन अली, बड़े मदारस ने दुनिया के अंदर जिथे सिर्फ कई मदारस ऐसे ने जिथे सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है, लेकिन कुरान पाक पढ़ने तो बाद रिसर्च होती है कि नबी ने तो दीवार के पीछे तो इलम नहीं, और रिसर्च होती है कि नबी नु तेल में गैब ही नहीं, नबी साडे जैसा बशर है, लेकिन आओ हुसैन बिन अली मदरसे दे विच आउण वाले हो, सादात पाक दे कदमा विच बैठण वाले हो, जिन्ना दियां औलादां इत्थे आ गईयां ओ बख्ता ते नाज करो, ए ओ मदरसा नहीं जिथे सिर्फ कुरान पढ़ाया जांदा है, ए ओ मदरसे जिथे कुरान बाद च पढ़ाया जांदा, कुरान वाले दा हया पहले सिखाया जांदा है। मेरी एक बात जरा बड़े गौर के समाप्त फरमाना, मेरी गल सादात पाक उलमा नाल और अपने बुजुर्गों नाल नहीं, जेडे नजदीक नजदीक तुसी नौजवान बैठे हो, मेरी एक तरला समझ लेना, मेहमान समझ के जे बोलना नहीं ना तो दो दो पैर पीछे हो जाओ यार, किसे बोलना ने बंदे नूं इत्थे जगह दे आ जाए, मेरा जौक ना खराब करिया जाए, बड़ी मेहरबानी। मैनू अज तक यह समझ नहीं आई जिहड़ी जुबान त्रै घंटे मोबाइल ते गल करती है, ते जेड़ा मुंह मालकां दा लंगर खान दी वारी कई बार खुलदा है, मालकां दी शान चुन के क्यों नहीं खुलदा? लबैक 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 या रसूल अल्लाह, हाथों को वरद करके अलामा साहब के हौसला अफजाई फरमाइए, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। जिन्ना सारी जिंदगी मेरे आका दे नाल गद्दारी कीती है ना,
मरन तो पहले कह गए कि असी मर जाइए तो साड़ियां कबरां ते फातिहा ना पढ़न आया जे। कई खदशा चुप रिश्तेदारी मुक जा मौलवी लगा जाना है असा तो नहीं बोलना जे मौत रिश्तेदारियां उंज भी मुका देनी बेशक ना बोलो हाँ सारी जिंदगी जिन्हें मेरे आका की जाते पाक नाल गद्दारी की थी है ओ मरन तो पहले कह गए के मर जाइए साड़ियां कब्रां ते आके कुरान ना पढ़िया जे और जिन्हें मेरे आका नाल वफादारी की थी फिर जाओ हजार साल हो गए अली हुजवेरी दे मजार ते आज भी कुरान पढ़िया जा रहा आज भी कुरान पाक पढ़िया जा रहा जिन्हें मेरे करीम अल्हम्दुलिल्लाह सी अहले सुन्नत सानू पढ़ाया बाद जांदा अदब पहले सिखाया जांदा अदब पहले सिखाया अल्लाह ने सानू अपना भी प्यार अता किया भाई जिथे विशल हो गया उत्थे छोड़ देना जनाब दे साउंड च कोई शक नहीं अल्लाह अपनी इज्जत अता फरमाए मैं अपनी कमजोरी का इजहार करना मेहरबानी सानू अदब पहले सिखाया जाता अल्हम्दुलिल्लाह सी अहले सुन्नत परेशान हो जाते हो इस नाम के उत्ते तुसीं असी जिहड़े बंदे नूं तुसीं सुर वास्ते बुलाया होवे ना हराम है जे असीं उहनूं उंज कबूल कर जाइए ते जी जी मैं असीं हाले सुन्नत आ और अल्लाह ने सानूं अपने हबीब दा भी प्यार अता फरमाया ते महबूब दे प्यारियां दा भी प्यार अता फरमाया चाहे ओह सहाबा दी जात है चाहे आले रसूल पाक ने सहाबा दी अज़मत नूं लखा सलाम आले पाक दी अज़मत नूं करोड़ा सलाम पर दोवां नूं सलामी वजह मुस्तफा है दोवां नूं सलामी मेरे करीम आका दी ज़ात पाक दी वजह तों क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह साडा अकीदा है जेड़ा सहाबा दी अज़मत तो फिर जाए राफ़िज़ी बनदा है और जेड़ा आले रसूल पाक दी अज़मत तो फिर जाए खारजी बनदा है और जेड़ा इन्हां दोवां दे जोड़ियां नूं अखां दा इन्हां दे जोड़ियां दी खाक नूं अखां दा सुरमा बना ले मदीने वाले दा गुलाम भी बनदा है पक्का सुन्नी मुसलमान भी बनदा है जी तो मैं हजरत जी वकार अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर फरमाया फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू याद रखो ये ना सोचिया करो लोग पता साडे लोग पता की आंदे कपड़ा खरीदना होवे ना तो भी थान खुलांदे ने गड्डी खरीदनी होवे साल पहले बुकिंग करांदे ने और जनाबे वाली किधरे बैंक पैसा जमा कराना होवे तो बैंक दी छानबीन करदे ने कुरान पढ़ाना होवे तो आंदे ने पढ़ाना तो कुरान ही है ना जिस घर कुरान नाजल होया कभी उस वेड़े तो भी पूछ लो कि पढ़ना पढ़ाना कितना कुल चाहिए आप ही फैसले करी आंदे हो आप ही उस्ताद हैं आप ही शागिर्द थी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उची तरह सारे फरमा दो सुनो ना समझ आई हो तो मैं थोड़ा जा के चल के समझा देना पता है कौन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जिन्हां दे बारे मेरे आका ने फरमाया ये मेरी उम्मत दा उस्ताद है अजे भी जब बंदे चस ना आई हो एक उस्ताद हो जिन्हू किबला शाह साहब फरमान के उस्ताद है जिन्हू जनाबे वाली पीर साहब फरमान ए उस्ताद है जिन्हू हाजी साहब फरमान ए उस्ताद है ओए ओ ते बख्ता ते नाद करे ते जिन्हू जग दा तबीब ते रब दा हबीब फरमाए के ए मेरी उम्मत दा उस्ताद है पता तो करिए कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने काम केड़ा कीता है कि जिदी वजह तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत दा उस्ताद है पता है की करदे हन जदों मेरे करीम आका किधरे तशरीफ ले जाना ना तवज्जो जरा सुनना ते आपने एन करके मेरे करीम आका दा तकिया मुबारक हुजूर दा मुसल्ला मुबारक इंज नाल सीने दलाया होना ते जिथे हजूर ने जलवा घर होने लगना उत्थे मुसल्ला बिछाना
तकिया रखना ते मेरे आका ने नलायने पाक उतारनी, नलायने पाक उतारनी हजूर दी नलायन दा वास्ता दे के कहांगा जुमला बाद समझ आ जाए। बुढ़ा या जवान है मोहब्बत नाल जवाब देना। आपने नलायने पाक उठा के ना चुम के अखा नाल ला के ते सिर ते रख के ते हाथ बन के खलो जाना। एक दिन मेरे आका दी नजर पै गई ते हुजूर ने फरमाया सहाबा मेरी उम्मत दा उस्ताद है, जुमला पूरा करन लगा ए मेरी उम्मत दा उस्ताद है। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत याद रखना हर एरे कारे नु उस्ताद ना मान लेना, उस्ताद ओनु मनना जड़ा मोहम्मद दे जोड़े आता है या करन वाला। क्या बात है, सल्लल्लाह जोड़े आता है या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल लजीन आमनु। मेरे रब दी ये बड़ी खूबसूरत आदत है, अल्लाह जदो किसे ते रहमत दी बारिश फरमाना चाहता है ना, खूबसूरत गल करना चाहता है तो मेरा रब खिताब ही ईमानदार नाल करदा है। साहिब इल्म हबाब तशरीफ फरमा ने किबला अल्लाह करीम ने 88 मरतबा कुरान पाक के अंदर ईमानदार नाल खिताब किया है। अच्छा भाई बड़े कमाल दे यार सुभान कबो तरह सारे सुभान अल्लाह। गर्मी सांझी है मौलवी नाल कोई बर्फ का ब्लाक नहीं बनने है। हाँ जी जनाबे वाली अल्लाह करीम ने 88 मर्तबा कुरान पाक के अंदर ईमानदारा दे नाल खिताब फरमाया। मैं चंद जगह तो बरकत वास्ते तिलावत कर देना। अल्लाह ने फरमाया फरमाया अय्युहल लजीन आमनु तक्वल्लाह हक्क तुकातिहि वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। फरमाया ए ईमान वालों अल्लाह को लो डर जाओ और इंज डरो जिवें डरन दा हक है, इंज मरो ओ जिवें मुसलमान मरदे ने, जिवें मदीने वाले दा गुलाम मरदा है। दूसरी जगह ते फरमाया या अय्युहल लजीन आमनु तक्वल्लाह वबतगु इलैहिल वसीला। फरमा ईमान वाले हो अल्लाह को लो डर जाओ ओदे रस्ते दे अंदर वसीला इख्तियार करो, ओदे रस्ते दे अंदर वसीला तलाश करो। तीसरी जगह ते मेरे रब ने फरमाया फरमाया अय्युहल लजीन आमनु तक्वल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। फरमाया ईमान वाले हो अल्लाह को लो डर जाओ सच्चियां दे नाल जुड़ जाओ। चौथी जगह ते फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल लजीन आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। फरमा बेशक अल्लाह और ओदे फरिश्ते नबी ते दुरूद भेज देने। ऐ ईमान वाले हो तुसी भी मेरे हबीब दी जात ते दुरूद भी पढ़िया करो, सलाम भी पढ़िया करो। आप लियो दस्तारे फजीलत वज़्करे हुसैन मदरसा हुसैन बिन अली दे चौण वाले हो। अज अकीदे दा जुमला समझा के अगे चलना। अगर कोई जुमा पढ़न तो बाद सलाम ना पढ़े ते झगड़िया ना करो, अगर कोई अज़ान तो पहले सलाम ना पढ़े झगड़िया ना करो, कोई जलसे तो बाद सलाम ना पढ़े झगड़िया ना करो, कोई मिलाद ते सलाम ना पढ़े झगड़िया ना करो। तुसी आखो सियालवी साहब ओ ना दुरूद पढ़ देन ना सलाम पढ़ देन, असी पुछिए भी ना। मैं क्या ना ना तू कुरान पढ़। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल लजीन आमनु सल्लु। फरमाया मेरे मुहम्मद ते जतो भी दुरूद पढ़ेगा बेईमान नहीं पढ़ेगा, ईमान
تو میں بات کرن کریا ذرا توجہ دے نال ایک بار ذرا اچھی طرح کہہ دو سبحان اللہ میں در جانا نہیں چاہ رہا اگلی جگہ تے میرے رب نے فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی اے ایمان والیو تواڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی نہ ہوویں اگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون فرمایا اے ایمان والیو اگر کوئی مشکل آ جائے تے صبر دا دامن نہ چھڈیا جے او جڑا چھڈ دوے اونوں میرا فرمان سنا کے پھر جوڑ دینا اگلی جگہ تے میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ نے فرمایا ایمان والیو اگر کوئی مصیبت آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی امتحان آ جائے تے فرمایا مدد منگیا کرو یا اللہ کدے کولو فرمایا صبر صبر کولو وصلاح نماز کولو عرض کی دی یا اللہ اسی ایتھے آکھیے المدد یا رسول اللہ لوگ فتویٰ لا دین آکھیے یا علی مدد لوگ فتویٰ لا دین یا اللہ اسی آکھیے المدد یا غوث آدم لوگ فتویٰ لا دین اب آ گئی نا بے ایماناں نوں پوچھو فتویٰ کیوں نہ دیو اے آندے نے جدوں منگو اللہ کول منگو غیر اللہ کول نہ منگو نبی بھی غیر اللہ علی بھی غیر اللہ تے ولی بھی غیر اللہ میں کیا عقل دے آنے آں قرآن پڑھ کے وے جے نبی غیر اللہ جے ولی غیر اللہ جے علی غیر اللہ تے صبر کیڑا اللہ نماز کیڑا اللہ ایوی تے غیر اللہ ایوی تے غیر اللہ آندا جی قرآن چایا ہے کہ نماز کول مدد منگو میں بہت ہی گل مکا دیا اگر نماز کول مدد منگنا جائز تے جیڑا نماز لے کے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھوں کو کھڑا کر کے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حضرت سیدی مرشدی صبر کولو نماز تے نماز تے صبر کولو مدد منگنا جائز ہے تے جڑے صبر والے نے تسی چھڈو پر اپنے کوئی اور بول لے گا جڑے بول دے میں بول دے گا تے جڑے نماز والے نے اگے اگے چلیے جلدی جلدی امام پاک دی بارگاہ چ حاضری دوی سبحان اللہ اللہ نے آپ فرمایا کہ تسی صبر کولو مدد منگو بس دو جملے میرے نال یاد کر لو جی کدے کول مدد منگو تے دوسرا نہیں سارے بولنے صبر تے نماز علماء واسطے میری گزارشات دا ایک جملے دا کروڑواں حصہ بھی نہیں انہاں نوں ساریاں گلاں دا پتہ ہے میں تواڈے نال گل کر رہا ہاں صبر کولو مدد منگو تے نماز کولو منگو آپ آکھیا اس منگو دوواں کول منگو تے جدو انعام دین دا ٹائم آیا نا تے فرماندا ان اللہ مع الصابرین میں صرف صبر کرن والےاں دے نال ہاں وچوں نمازی کڈ دتے لنگیر بھائی وچوں نمازی کڈ دتے تے میں کہ یا اللہ صرف صبر والےاں دے نال ہو گیا ٹوریا آپ ہی ہن صرف صبر والےاں دے نال ہے تو فرمایا یا اللہ نمازی کتے گئے فرمایا تینوں نہیں پتہ کئی بے ایمان نمازیاں دا روپ تار کے امام دے پیچھے کھلوتے ہوتے ہیں فرمایا ذرا دیکھ تے صحیح
कि करबला दे मैदान ते हुसैन दे खैमे च भी नमाज पढ़ी जा रही है ते यजीद दियां सफां च भी नमाज पढ़ी जा रही है। किबला शाह जी अल्लाह फरमांदा कि मैं नमाजियां दे नाल आ, फिर ते यजीदी भी छाला मार देना, वो आंदे रब साडे भी नाल है, फिर ते यजीदी भी कहंदे ना कि रब साडे नाल है। अल्लाह ने फरमाया ना ना इन्नल्लाहा मा साबिरीन, फरमाया मैं सबर करन वालियां दे नाल आ। ते या अल्लाह सबर किन्ने कीता है? फरमाया वेख ते सही करबला दे टिब्बे ते हुसैन इंज दा सबर कीता है, इंज दा हुसैन ने सबर कीता है कि रब पिया फरमांदा है कि मैं सबर करन वालियां दे नाल आ। या अल्लाह सिर्फ हुसैन दे नाल है? फरमाया ना ना मैं नबी दी सारी आले बैत दे नाल। इस जुमले ते जेड़ा सड़िया कमल कमल साड़ो ते सही, ते जेड़ा ठरिया उनु ठारो ते सही। जरा उच्ची जरा कह दो सुभान अल्लाह, आले पाक दे दर दा फकीर टट के कह दवे सुभान अल्लाह। जनाबे वाली अल्लाह ने फरमाया मैं नबी दी हले बैत दे नाला। अल्लाह के दो लैणा ने मेरिया ए साहिब उलमा वास्ते और सदात पाक वास्ते साहिब इलम अहबाब वास्ते ने जरूर सुन के मैं दसन गे कि सानू समझ आई है। अल्लाह अहले बैत मोहम्मद के साथ है, अल्लाह के साथ है, इस्लाम का वकार इसी कराने के साथ है, अल्लाह अहले बैत मोहम्मद के साथ है, इस्लाम का वकार इसी कराने के साथ है। आइए जरा सुनिए जनाब, अल्लाह अहले बैत नाल किस तरह है। हजरत उम्मे अमन जल जल हजरत उम्मे अमन आप फरमादिया ने एक दिन मेरा दिल कीता मैं जल्दी जा रही हूं जल्दी जा रही हां, फरमादियां ने चलदियां चलदियां मेरा गुजर नबी पाक दी बेटी दे दरवाजे ते अगो दी होया। मैं नाम लैंदा जाना तुसी जरा बोल दे जाना, या अल्लाह अज तेरा जेड़ा बंदा तेरे पाक नबी दी लाडली शहजादी दे ना सुन के खुश होवे रात अख लगे नबी दा दीदार हो जाए अली दा दीदार। जरा ज़ौक दे नाल जरा सुन दे जाना, आपने फरमाया उम्मे अमन कहदियां मेरा गुदर करीम आका दी प्यारी शहजादी आप दे मकान दे दरवाजे दी अगो दी होया, केड़ी शहजादी कौन सैयदा। नहीं नहीं हर लफ्ज़ से बोलने दे मेरे बाप, मैं बुजुर्गों ने नहीं किया, नौजवान बुजुर्ग बिल्कुल ही रहन दियो, जिन्ना जेड़े जवानी मोबाइल नु दे बैठे हो वो तो बेचारे बोलन बोलन जोगे नहीं, तो बाकी बोल दे जाना। जनाबे वाली सैयदा आवाज नहीं आई, सैयदा अफसोस कई झूठे होके रौला पालन ते कई हक ते होके ना बोलन, जेड़ा हक ते बैठे जरा बोलना। सैयदा आबेदा ताहेरा जाहेदा साजेदा ताहेरा आबेदा तैयबा नाफिया जाकेरा आलिमा। तुसी आंदे सो हर नाम ते बुलाया करे बोलन जोगे है ना, एदे वास्ते जिगरा चाहिदा है।
दरवाजे हजरत अमन गईया आप फरमादिया ने मैं दरवाजा खोलिया मैं अजीब मंदिर वेखिया सैयदा पाक आराम फरमा रही ने चंगे दौड़िया दौड़िया मेरे करीम आका दी बारगाह के अंदर हाजिर होया शर्त की थी आका मैं अजीब मंदिर वेखिए ते सैयदा पाक आराम पिया कर दिया ने चक्की अपने आप ही चल दी है मेरे आका ने फरमाया उम्मे अमन तेनु पता नहीं मेरी बेटी फातिमा दा ओ खारे किथे आके है फरिश्ते नौकरी देना सा जिथे आके फरिश्ते नौकरी देना शहादत समय देने पंज तन पाक दया देना गुलाम अखीर दाए ना करहाम हसन हुसैन दवाई ओ जेड़ा औकड़ दे सीने नू नकीर दाए दुनिया मेरा फैजान हया कर दी ए भी फैज पीर शबीर दाए कौन इमाम हुसैन अली मकाम जिन्होंने मेरे करीम आका ने एक दिन अपनी झोली में बिठा के फरमाया हुसैन ध्यान रखी मैं तेरे तो अपना पुत्र वारिया नाना जान वक्त आ लैन दे हुसैन इंज दा हक अदा करेगा कि फरशी ते फरशी रह गए अरशी भी सलामी देना फिर यही वजह है कि मेरे इमाम ने एक दिन बारों घर तशरीफ लिया अर्ज की थी अम्मी जान भूख लगी है सैयद पाक ने फरमाया बेटा बैठ जा मैं तेनू खाना देनी है कड़ी मिला के तो करबला दे मैदान ते आई है बेटा बैठ जा मैं तेनू खाना देनी है सैयद पाक ने आटा कढ़िया ते कुरान पाक पढ़िया सैयद पाक ने पेड़ा कीता ते कुरान पढ़िया इमाम नु खाना दिता ते कुरान पढ़िया खाना खान तो बाद मेरे इमाम ने मां दे कदमां ते हाथ रखिया ते नौजवानां नु पैगाम दिता कि मां दे हाथ दा पकिया खा के उनु कूरी दा नहीं ओदे पैरां दे आके बैठेगा मां दे अगे बोली दा नहीं आपने अर्ज की थी अम्मी जान मैं वेखदा रहा आपने आटा कढ़िया ते कुरान पाक पढ़िया पेड़ा कीता ते कुरान पढ़िया तवे ते रोटी नू रखिया ते कुरान पढ़िया अम्मी जान मैं वादा करना जे कदे कुरान नू हुसैन दी लोड़ पै गई तो फिर मैं जवान अली अकबर भी देंगा शहजादा अली असगर भी देंगा ओनो मुहम्मद भी देंगा कासिम भी देंगा इंज भी
गल ना ना बनी अम्मी जान हुसैन सजदा जमीन ते करेगा कुरान नेदे दी नोक ते पढ़ के नाने दी इज्जत ते पैरा भी दे जाएगा मां दी तरबियत भी विखा जाएगा। फिर वक्त आया जदो करबला दे मैदान ते दीन इस्लाम दी सरबुलंदी दी खातर एक एक करके सारे कुर्बान होंदे आए। आखिर अली दे लाल दी वारी आई। जेड़े वेले अली दे लाल दी वारी आई मेरे इमाम सवारी ते सवार हो वारो वारी होने आई हुसैन दी वारी खैमे विचों ए ज़ैनब बोली बढ़ाओ ने दिन खिलारों मैं घंटा हो गया सैट ही कराते हैं रात तो मैं बात तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। आइए जरा सुनिए जेड़े बेले जनाब थोड़ी जी बेस ना रहे जो खराब करेगा मेरा गला भी जेड़े बेले जनाबे वाली मेरे इमाम ने सवारी ते सवार होए इमाम चलन लगे ख्याल आ गया अली अकबर टुरिया तो दी मां ने टुरिया तो खराब कर देने लगे किसी सारा जनाबे वाली मेरे इमाम नु ख्याल आया अली अकबर चलिया ओदी मां ने टोरिया कसम गया ते ओना दी वालिदा ने चलाया हुन हुसैन दी वारी आई है कोई टोरन वाला नहीं रिया मेरे इमाम जे सोच रहे ने ते खैमिया दे विचो आवाज आई भाई जान दरा खैमिया में चौना जड़े दले मेरे इमाम जनाबे वाली खैमे दे अंदर गए सैयद पाक ने फरमाया वीरा की होया जे अली अकबर दी मां ने टोरे है की होया जे अली असगर ने टोरे है आख्या भाई जान अज सुमा कोई नहीं अज तुहाडी हमशीरा ते ऐना सैयदा ने सामने बिठाया मेरे इमाम दिया जुल्फा सवारिया आपने मेरे इमाम दी दाढ़ी मुबारक सवारी सवार दिया ने नाले रोंदिया ने इमाम ने फरमाया पैना बच्चे टुर गए नी तारोनी है पानी नहीं मिलिया तारोनी है अरब की दीवीरा ना बच्चे जान दा खौफ है ना पानी मिलन दा गम है ते आखिया फिर रोनी क्यों है आखिया भाई जान अज तुहाडा सफर वेख रोना गए के जमाने अंदर बड़े बड़े साबर आउणगे पर मेरे हुसैन दिया साबर कोई नहीं आएगा मेरे हुसैन दिया हौसले वाला कोई नहीं आएगा क्योंकि सीखा उत्ते Yeah.
हराम में सखी हुसैन दा जेड़े वेले मेरे इमाम नू पाक बीबी ने तैयार कीता ते गठड़ी खोली गठड़ी दे विचों नाना जान दी दस्तार नू कढ़िया कढ़ के मेरे इमाम दे सिर ते रखिया हाथ दे अंदर मौला अली दी तलवार आई इमाम दी ताड़ी अथरुआं दे नाल तारो गई सैयदा ने फरमाया भाई जान जवान अली अकबर लै के आए हो ते नहीं रोए कसम दी लाश दे टुकड़े आए ने तुसी नहीं रोए हुन क्यों रोए हो आखिया सैयदा बाबे दी तलवार हाथ में चाहिए ते बाबे दी निशानी मिल गई सिर ते नाना जान दी दस्तार आई है ते नाने दी निशानी मिल गई ख्याल आया आज मेरी मां दी भी कोई निशानी होती हुसैन लेके करबला दे मैदान में जाता इतनी बात हुई सैयदा ने अपनी कठड़ी दे विचो पाक बीबी ने सैयदा फातिमा दी चादर नु कढ़िया मेरे इमाम दे सामने जेड़े वेले मां दी चादर आई है इमाम ने चादर पकड़ी अखां दे नाल लाई मां दा लाड याद आया मां दी मुहब्बत याद आ गई मेरा इमाम इतना रोया आखिया अम्मा एक बारी तरा करबला दे मैदान ते आके में जिन्हों कुरान पढ़ पढ़ लोरियां दिंदी रही है अज हुसैन दा बाग तेरे बाबे दी उम्मत ने कीवें उजाड़े है तेरे हुसैन से फुल्ला नू कीवें मसले आए भाई भाइयां दे भाई भाइयां दे ए दर्द वंडाउंदे ते भाई भाइयां दियां बाप सिरा ते ओए ताज मोहम्मद एते मामा अचानक गौर कीता रोन दी आवाज आ रही है सिसकियां भरन दी आवाज आ रही है इमाम ने बहन वल देखा सैयदा पाक बीबी ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा ने अपने वीर वल देखा इमाम ने फरमाया सैयदा ए किधर रोन दी आवाज है सैयदा दबे दबे कदमां दे नाल चलियां जाके खैमे दा पर्दा उठाया जेड़े वेले जनाबे वाली खैमे दा पर्दा उठाया पाक बीबी ने देखिया मेरे इमाम दी 6 साल दी बेटी सैयदा सकीना सिर तो लैके पैरों तक चादर विच लिपटियां होईयां ने ते खैमे दे बाहर बैठ के इमाम दी बेटी रो रही है सैयदा ज़ैनब ने फरमाया तिए साबिरा दी औलाद क्यों रोनी है अरज कीती पुफी अम्मा तुहाडी जिहड़ी बाबे दे नाल गल्लां होईयां ने मैं सारियां सुन लईयां ने अब्बा जान फरमा रहे सन हुणे मैं जा रहा मेरी सवारी खाली आ जाएगी सैयदा सकीना कहन लगियां पुफी जान
मैं नहीं बोली त्रै दिहाड़े पानी नहीं मिलिया मैं नहीं बोली पुठी जान बस मैं कोई गल पूछना चाहनी हां हुण जदों मेरे बाबे दी सवारी खाली आ जाए फिर किलान शकीला यतीम हो गई है पुप्पी अम्मा मैं कोई गल पूछना चाहनी हां कितना धिया दे बाप टुर जान ओ मीरा दे बुवेया ते आ जांदियां ने मेरा अली अकबर भी टुर गया है मेरा अली असगर भी टुर गया है मेरे अब्बास भी चले गए ने मेरा वीर कासम टुर गया है हुन मेरे बाबे दी सवारी खाली आ जाए ते मैं किते दरवाजे ते जावांगी रात पैंदी है इतनी बात होई मेरे इमाम ने अपनी बेटी नु उठाया नाल लाया लाके इमाम करबला दी मिट्टी ते बैठ गए इमाम ने बेटी नु नाल लाया सैयदा सकीना दा सर मुबारक मेरे इमाम दे सीने दे नाल लगाओ सैयदा कहन लगियां बाबा जद रात पैंदी है मैं तुहाडे सीने ते सिर रख के आराम करनियां पर जद बाबा तेरी सवारी खाली आ जाए फिर सकीना किदा सीना लबेगी मैं किन्नु बाबा कवांगी मैं किदे सीने ते सिर रखे मैं आराम करांगी मैं किदे सीने नु लबांगी मेरे इमाम ने आवाज मारी फरमाया सैयदा जैनब जी भाई जान फरमाया बेईमान आवाजा पे मार दे ने ए मेरी सकीना नु खैमिया विच लै जा बड़ा मेरे इमाम ने आखरी वार ती दा मत्था चुमिया पुछो उस पाप नु ओ जड़ा बेटी ब्याह के घरों टोर दे ते केड़े कलेजे दे नाल टोर दे किस हौसले दे नाल टोर दे हालांकि बाप जान दे मैं दो दिहाड़ियां तो बाद अपनी बेटी नु मिल लवांगा पर हुसैन जान दे अज आखरी वार मैं थी पिया वेखना जेड़े वेले पाक सैयदा सकीना नु ज़ैनब पाक ने पकड़िया सकीना कह लगिया पुप्पी अम्मा जरा ठहर जा मैनू ए दस ओ जेड़ा करबला वल पिया जांदा है ए तेरा की लगदा है आखिया धीए ए मेरा वीर तेरा बाबा आखिया फिर पुप्पी ठहर जा तू आखरी बार परा वेख ले मैं आखरी बार अपना बाबा वेख लवां तू वीर नु आवाजा मारनियां मैं अपने बाप नु आवाजा मारनियां तेनू वीर नहीं लभना मैनू अप्पा नहीं लभना पाक बीबी ने इमाम दी सवारी पीछे दौड़ लाई है सैयदा ज़ैनब ने पकड़ लिया ए जुमला पत्थर भी सुन के पिघल जाए बड़े गौर दे नाल सैयदा ज़ैनब ने फरमाया फरमाया बेटी किधर चली
पुत्रा नहीं जगीरा हालांकि जान दिया ने छे महीनिया बाद आ जाएगा पर सकीना जान दिए पर हुसैन दीदी जान दिए ओ जड़ा जंदा पिया ओ दी लाश आ रही है ओ दी लाश दे टुकड़े आ रहे ने पाक बीबी करबला दी रेत बह गई ते आंदी है बाबा आखरी बार तीनू सलाम ते प्यार दे जा मेरे इमाम ने बेटी दे तेरे ते याद रख दिया इमाम चले बीमार जैनुला पे दिन दे खेमे दा पर्दा उठाया पुत्र बुखार दी शिद्दत नाल बेहोश सदा ते पाक दी कदम बोसी तो बाद एक जुमला कहन लगा आज किसे दे पुत्र नू कोई जख्म आ जाए और डॉक्टर दे पैरा में जाके पगड़ी ला के रख दे दे अंदर डॉक्टर साहब मेरी दौलत ले लो मेरा सारा कुछ ले लो पर मेरी औलाद बचा लो पर मां हुसैन मेरा इमाम रब दी बारगाह में दर्द दर्द यांदा मेरा वतन भी कुर्बान है मेरी औलाद भी कुर्बान है मेरी दौलत भी ले ले बस मेरे नाने दा दीन बचा ले इमाम ने जाके पुत्र दा सर उठाया अपनी झोली में रखा रख के मेरे इमाम ने फरमाया बेटा अकोल में तेन मिलन आया अकोल बेटे तेरे नाल एक दो गल्लां करन आया इमाम जैनुल आबिदीन दे लबां दे उत्ते मेरे इमाम ने जड़े वेले खुश्क लब रखे ते इमाम दे होठां दी ठंडक दे नाल जैनुल आबिदीन ने बुखार दी शिद्दत विच अपनी अखां खोलियां अखां खोलन तो बाद अर्ज कीती इंज दाएं वेख्या फिर बाएं वेख्या इमाम फरमाया बेटा किन्नू वेख्या बाबा अली अकबर भाई नजर नहीं आ रहा अब्बास नजर नहीं आ रहा और मोहम्मद नजर नहीं आ रहा अली असगर नजर नहीं आ रहा कासिम नजर नहीं आ रहा मेरे इमाम फरमाया बेटा सारे चले गए ने नानक दे दीन दी खातर कुर्बान हो गए ने इमाम जैनुल आबिदीन ने हाथ जमीन ते रखिया एक जनाबे वाली मेरे इमाम दे मोड़ ते रखिया इमाम ने फरमाया बेटा किधर जान लगे अरज की बाबा सारे टुर गए ने हुन मेरी बारी है फरमाया बेटा वारियां मुक गईयां ने हुन हुसैन दी वारी है आखिया बाबा जदो कयामत वाले दिन नाना जान दे कोल कचहरी लगी होवेगी अली अकबर अपने जख्मां दे निशान विखाणगे अब्बास अपने कटे बाजू विखाणगे मैं केड़ा निशान लै के जावांगा इमाम ने फरमाया बेटा कोई तलवारां दे निशान लै के जाएगा कोई पर्चियां दे लै के जाएगा कोई तीरां दे लै के जाएगा पर मेरे शहजादिया दिया जदों तेरी बारी आवे तू भी अगे हो जाई आखी नाना ए तीरां दे निशान ले आए ने ए तलवारां दे ले आए ने ऐ वेखो मैं हथकड़ियां दे निशान लै के आया मैं
फरमाया बेटा इन पर्देदारां दा ख्याल रखी बेटे गर्दन कट जाए लेकिन झुके ना। ज़ैनुल आबिदीन कहन लगे बाबा मैं पुत्र किदा बाबा मैं पोतरा किदा एक गर्दन लख बार कट सकदी है एक बार झुक नहीं सकदी। मेरे इमाम ने सब नु आखिरी बार प्यार और सलाम करके करबला के मैदान में पहुंचे फरमाया यजीदियो मेरे तो इलावा तुहानू कोई नवासा रसूल रूह जमीन ते नजर आउंदा है आवाज आई कोई नहीं पर मैं मेरा बाबा अली है मेरी अम्मा ज़ारा पाक है और मेरा भाई ते मैं जंती जवाना दे सरदार हां ते बाद आ जाओ पता नहीं मैं जुमला जल्दी जल्दी कह के अग्गे चल रहे हैं ना जाने कौन उन्हें अपने सीने में समेट सके कौन न समेट सके। फरमाया अजे भी वक्त है अब हम अपने हाथ हुसैन दे खून नल रंगीन न करना तो सब मेरे नाने दा कलमा पढ़िया है मेरे खून तो बच जाओ पुत्र दी माफी हुसैन लेके दे देगा मेरे खून तो बच जाओ पुत्रां दी माफी हुसैन लेके दे देगा। तेरे मेरे बच्चे नु गाली दीती होवे ते असीं नस्लां तक याद रखने आ वाह सैयदो लजपालो तुहाडे जा लजपाल कायनात च कौन है ऐ 14 अगस्त आ गई कई बुजुर्ग बह के रोंदे ने मैं क्या क्यों रोंदे हो उन्हें क्या सियालवी साहब अखां दे सामने तियां भैणां कतल हो गईयां भरा कतल हो गया मैं क्या क्यों उन्हें क्या पाकिस्तान की खातर मैं क्या जिन्ना पाकिस्तान बनाया वो इतना रोंदे ओए उन्हें पूछो जिन्ना इस्लाम बनाया वो जिन्ना हर शायद दिती है ओए इन्हां मालकां नूं पूछो जिन्ना पूरे दा पूरा झुग्गा ही लुटा दिता ते जनाबे वाली इयो ही आंदे रहे के नाने दा दीन रह जाए ओ दिया जेड़े वेले जनाबे वाली अली दे जान दी तलवार निकली सिर गाजर ते मूली दी तरह कट के जमीन ते आए एक आवाज आई ए लोग कलिया ना समझना तरे तियाड़ियां दा भुखा ना समझना फेर भी मत मत ओ तितिया जाना ए दादी शेर जवाना आवाज आई तरह दियाड़े आदा भुखा ना समझना ए दिया रगा दे अंदर शेर खुदा दा खून है खून दे अंदर लुआबे दहमे मुस्तफा दा यशरे एते ते घेरा पालो तीर मारो तलवारा मारो परछे मारो ओ हुसैन ओ जड़ा नाने दे तन्या ते सवारी करदा रिया ओ वजूद जड़ा सीना यलम नशा ते खेडदा रिया तीर बरसन इमाम तेरे ना बेदीन पाप नु किसे ने पूछिया सजा दिया तेरे बापे नु कितने तीर लगे ने कितने जख्म आए ने तारीख वाला लिख दे आंदा 72 आए ने एक आंदा 82 आए ने एक आंदा 120 आए ने मेरे इमाम दे जख्मां दा ओ जेड़ा तारीख वाला भी ना लिख सकया इमाम ते जो ना बेदीन पाप फरमांदे ने ओ बोलिया की पूछने मेरे बाप नु कितने जख्म आए ने फरमाया इतने हुसैन दे व
ਤੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਸਨ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾ ਲੱਗਾ ਇਮਾਮ ਚਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁਸੈਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁਸੈਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉਠਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕਾ ਪੋਸ਼ ਔਰਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਤੂਨ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਏ ਇਮਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਕੌਣ ਏ ਆਖਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਰਜਪਾਲ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਏ ਓ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਚੁੱਕ ਲਵਾ ਵਿੱਚ ਛੋਲੀ ਸਾਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਜਹਨਮ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੋਲੀ ਫਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਲੀ ਫਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੈਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਭਾਂਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਭੈਣਾ ਖੈਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਰਾ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਰਾ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਾਪ ਅਲੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੱਲੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਆ ਹੁਸੈਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗਲੀ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਗੈਰ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਤਰੀਕਤ ਰਹਬਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਫਖਰ ਸਦਾਦ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮਦਰਸਾ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਔਰੋਂ ਨੇ ਬਿਕਰੀਏ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਔਰੋਂ ਨੇ ਬਿਕਰੀਏ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਤੂਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਆ ਉਸ ਪੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ
मेरी कबूल फरमाए। मेरे बरादर मुकर्रम ने सखी हक बाहु साउंड सिस्टम बड़ी मोहब्बत के नाल ऑपरेट फरमाया। अल्लाह करीम जिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सुल्तान